की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बुलानी पड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के आदेश, जिसमें दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई थी, उस आदेश को खारिज कर दिया गया है, उस संदर्भ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सबसे पहले तो मैं साफ तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को दिल्ली वालों को और दिल्ली सरकार को दुख देकर, केंद्र सरकार को दिल्ली वालों और दिल्ली सरकार को दुख देकर, उनके दुख और पीड़ा को देख आनंद का अनुभव होता है। इट अपीयर्स एज इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव्स सेडिस्टिक प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड मिजरी ऑन द पीपल ऑफ दिल्ली एंड बाय अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मैं साफ तौर पर केंद्र सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली में चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल देना, हस्तक्षेप करना पूरी तरीके से बंद कीजिए और दिल्ली सरकार की अथॉरिटी को, हमारे अधिकार क्षेत्र को अंडरमाइन करना बंद कर दीजिए। बीते कुछ दिनों में कई बार ऐसा देखा गया कि दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार के आदेशों में दखल देकर उन आदेशों को बदला गया, उनको पलटा गया। सबसे पहला उदाहरण होम आइसोलेशन मॉड्यूल, वो होम आइसोलेशन मॉड्यूल केजरीवाल सरकार का जिसका डंका विदेशों में बज रहा है, उस होम आइसोलेशन मॉड्यूल को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। दिल्ली सरकार ने और दिल्ली वालों ने विरोध किया तो केंद्र सरकार को वापस निर्णय की पुनर्स्थापना करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हमारे होम आइसोलेशन के आदेश को खारिज कर दिया था। दूसरा उदाहरण, हाल ही में दिल्ली दंगों के मामले में, न्यायपालिका में चल रहे मामले में वकीलों की नियुक्ति को लेकर, जो वकील चुनी हुई दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने चुने और कोर्ट में पेश होने का जिनको अधिकार दिया, उन वकीलों को बदल दिया गया, उस वकील के पैनल को खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने। और तीसरा और सबसे चौंका देने वाला दुखद निर्णय आज आया है, जिस निर्णय में चुनी हुई दिल्ली सरकार के आदेश, जिसमें होटल और साप्ताहिक बाजार यानी कि होटल्स और वीकली मार्केट्स को खोलने की अनुमति केजरीवाल सरकार ने दी, उस अनुमति को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। ये तीन बड़े उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो बीते कुछ दिनों में आपने देखा कि कैसे चुनी हुई सरकार के हस्तक्षेप में और दिल्ली वालों को पीड़ा देकर, दुख देकर केंद्र सरकार आनंद का अनुभव कर रही है। इज डिराइविंग सेडिस्टिक प्लेजर, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिराइविंग सेडिस्टिक प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग मिजरी ऑन द पीपल ऑफ दिल्ली एंड बाय अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मैं तीन महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे यह साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार किस ढंग से एक सरकार को कुचलने की कोशिश कर रही है, सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और दिल्ली वालों से कोई खासी बदला लेने की कोशिश कर रही है। तीन बड़े उदाहरण, होटल और वीकली बाजार के निर्देश से संबंधित तीन बड़े उदाहरण। पहला उदाहरण, 8 जून 2020 को केंद्र सरकार ने अपना ऑर्डर जारी किया पूरे देश भर के लिए और उस ऑर्डर में कहा कि पूरे देश भर में अब होटल और साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं 8 जून 2020 को। ये तो केंद्र सरकार ने खुद कहा और पूरे देश भर में 8 जून के बाद होटल और साप्ताहिक बाजार खुल गए, लेकिन
आज जब हम दिल्ली में खोलने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमने उस समय नहीं खोले थे, उस समय हालात थोड़े गंभीर थे, आज जब हम दिल्ली में खोलने जा रहे हैं तो केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा बड़ा उदाहरण, भाजपा शासित अपने राज्य जहां कोरोना महामारी इतनी फैल गई है कि लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, आईसीयू नहीं मिल रहा, होम आइसोलेशन, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर नाम की चिड़िया तक का तक लोगों को वहां पर नहीं पता, बुरे हाल हैं, राज्य बद से बदतर हो रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि गुजरात, जहां मृत्यु दर आसमान छू रही है, जहां महामारी से उत्तर प्रदेश और गुजरात की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, उन दोनों राज्यों में तो केंद्र सरकार ने सारे होटल खोल दिए, सारे साप्ताहिक बाजार, वीकली मार्केट शुरू कर दिए, लेकिन दिल्ली में नहीं करने देंगे। यह था मेरा दूसरा उदाहरण, दूसरा बिंदु। और तीसरा अहम बिंदु, दिल्ली के आसपास सैटेलाइट टाउन्स हैं, जैसे कि गुड़गांव, जैसे कि नोएडा। गुड़गांव और नोएडा में तो केंद्र सरकार ने होटल खोल दिए, साप्ताहिक बाजार खोल दिए, लेकिन आज केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में आप होटल नहीं खोलेंगे, दिल्ली में आप साप्ताहिक बाजार नहीं खोलेंगे। ये तीन बिंदु साफ कर देते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है, ये साफ कर देते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली वालों से कोई विशेष बदला ले रही है और दिल्ली की सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा केंद्र सरकार से कि जब आपका 8 जून का ऑर्डर यह कहता है कि हर जगह होटल खोल दिए जाएं पूरे देश में, जब आपके शासित राज्य, आपकी पार्टी, जहां उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है, जहां कोरोना महामारी त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है जनता का, उस राज्य में तो आप नहीं खोलने दे रहे, उस राज्य में तो आपने खोलने दिए लेकिन दिल्ली में तो आप नहीं खोलने दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जब दिल्ली के पड़ोसी शहर सैटेलाइट टाउन जैसे कि नोएडा और गुड़गांव में जब तमाम होटल खुल गए, तो दिल्ली में होटल जब केजरीवाल सरकार खोलने जा रही है तो आपको क्या परेशानी है? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात करी, आज केजरीवाल सरकार ने आर्थिक चक्का चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें एक और महत्वपूर्ण कदम उस कड़ी में था कि होटल और साप्ताहिक बाजार को शुरू करना। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बीते कई महीनों की घोर तपस्या के बाद, नई नई रणनीतियों के बाद, कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करना मुमकिन करके दिखाया, कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करके दिखाया। और आज दिल्ली इस देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां यह कहा जा सकता है कि कोरोना उल्टे पांव वापस जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने और दिल्ली वालों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। जब दिल्ली में हालात बेहतर हो गए हैं तो आज यह अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से शुरू हो, होटल खुलें, साप्ताहिक मार्केट्स खुलें। लेकिन आज जिन राज्यों में त्राहिमाम त्राहिमाम है, जिन राज्यों में कोरोना से लोग मर रहे हैं, उन राज्यों में तो आपने होटल खोल दिए, साप्ताहिक बाजार खोल दिए, लेकिन दिल्ली में ना आप साप्ताहिक बाजार खोल रहे हैं, ना आप होटल खोलने दे रहे हैं। और सरकार का फैसला आपने खारिज कर दिया, दिल्ली सरकार का फैसला। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था को संजीवनी बूटी देने के लिए, उसको फिर से मूर्छित अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए, उसमें प्राण डालने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया कि होटल खोलेंगे, साप्ताहिक मार्केट्स खोलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों इंडस्ट्री से, होटल इंडस्ट्री से और वीकली बाजार इंडस्ट्री से, कुल मिलाकर 15 से 20 लाख लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जुड़ा है। उनके घर का चूल्हा होटल इंडस्ट्री से या फिर वीकली मार्केट्स के व्यापार से चलता है। आज आपने उन 20 लाख लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया है, जिसको केजरीवाल सरकार, जिनके घर का चूल्हा जलवाना चाहती थी।
मैं अंत में केंद्र सरकार को यह हिदायत देना चाहता हूं कि दिल्ली वाले और दिल्ली सरकार के दुख में सुख लेने वाली केंद्र सरकार हमारे सरकार को अंडरमाइन करकर सेडिस्टिक प्लेजर लेने वाली केंद्र सरकार इस फैसले को होटल और वीकली बाजार को नहीं खोलने वाले अपने फैसले को वापस ले और दिल्ली वालों के हक में केजरीवाल सरकार को होटल और वीकली बाजार खोलने की अनुमति दी जाए। इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, जब कोरोना महामारी लगातार चल रही थी उस समय जब भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ कहा कि केंद्र से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है, तो इधर आज आपने तीन उदाहरण गिनाए, तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि पहले सपोर्ट कर रहे थे और नहीं कर रहे थे, इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? ये तो वही बताएंगे, ये तो केंद्र सरकार ही बताएगी कि क्यों उन्होंने इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई प्रचंड बहुमत की सरकार को या तो नीचा दिखाने के लिए, उसकी अधिकार क्षेत्र, उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के लिए उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। और तीन बड़े उदाहरण मैंने आपको दिए, होम आइसोलेशन को खारिज करना, वकीलों की नियुक्ति को खारिज करना, और अब होटल और वीकली मार्केट्स खोलने वाले उस आदेश को खारिज करना। ये तीनों चीजें दिखाता है कि शायद केंद्र सरकार को दुख में सुख लेने की आदत है। दूसरे के दुख से जो व्यक्ति सुख लेता है, जिसे अंग्रेजी में सेडिस्टिक प्लेजर कहते हैं, शायद उन्हें हमारे दुख में, दिल्ली वालों को दुख में देखकर आनंद का अनुभव होता है, यही नजर आता है मुझे। तो यही इकलौता कारण है शायद जिस वजह से केंद्र सरकार इस प्रकार के अटपटे फैसले ले रही है। अरे भाई, जब आपने नोएडा में खोल दिए होटल, गुड़गांव में खोल दिए होटल, गुजरात और उत्तर प्रदेश जो ऐसे दो राज्य हैं, कर्नाटक भी, कर्नाटक जहां पर बुरी हालत है, रोज अखबारों में, न्यूज चैनल पे चल रहा है, लाखों लोग इस कोरोना महामारी से पूरी बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, उन राज्यों में खोल दिए होटल, उन राज्यों में मार्केट्स खोल दी, और जहां हालात सामान्य हो गए, जहां केजरीवाल सरकार के रामबाण ने कोरोना रूपी राक्षस को ध्वस्त कर दिया, उस राज्य में नहीं खोलने दे रहे, इसका जवाब तो वही बताएंगे। जो दलील दी जा रही है एसजी ऑफिस से वो ये है कि सिचुएशन ऑफ कोरोना इज स्टिल फ्रेजाइल, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के साथ हो रहा है इसके बारे में? अगर फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है कि स्थिति सुधर गई है, लेकिन अब पता नहीं कि क्या ये स्थिति वापस खराब हो सकती है कि नहीं हो सकती। उस राज्य में जहां स्थिति सुधर गई है लेकिन आपको फ्रेजाइल लग रहा है, आप नहीं खोल रहे, लेकिन उन राज्यों में जहां स्थिति फ्रेजाइल नहीं, बहुत खराब है, बदतर से बदतर स्थिति है, लोग मर रहे हैं, जहां रिकवरी रेट बहुत खराब है, इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, उन राज्यों में खोल दिया, अब इसकी इसका क्या तर्क है, इसका क्या मतलब है? ये तो समझ के परे है, ये तो लॉजिक के परे है, ये तो यही दिखाता है कि ये सरकार हमारे दुख में आनंद अनुभव करने के लिए बैठी है। कोई और